हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रहमत इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं L90 के बारे में। L90 कैसे बनाया जाता है, तो इसका मैं पूरा आपको बताऊंगा L90 बना करके। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी किए। देख सकते हैं हमारा 50 का टंकी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 50 का टंकी है और इसी में हम L90 आपको बना करके दिखाने वाले हैं, और इसका पूरा मेजरमेंट हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए अच्छे से। तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ टूल्स हैं, इससे हम मार्किंग करेंगे। तो आइए इसका हम मार्किंग पूरा समझ लेते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो इसी तरीक़े से आप एक टंकी ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं मार्किंग करता हूँ उसी तरीके से आप मार्किंग करिए, तो आसानी से आपको समझने में मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मार्किंग। ये हमारा 50 का टंकी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखना है हमको उधर से कितना छोड़ना है, ठीक है। आपको कितना छोड़ना है वो आप देखिएगा। तो हमको 20 सेंटी यहाँ से हम छोड़ करके 90 बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 20 सेंटी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये 20 सेंटी हमारे इधर आ गया, 20 सेंटी भी हमको 90 बनाना है L90, ठीक है। तो ये हमारा 50 का टंकी है, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट है 5 5 10। तो यहाँ से देखिए हम कैसे मार्किंग करते हैं। सेम मार्किंग करना है आपको 50 के ट्रंकी में, राइट एंगल से कर देते हैं। पहले इसको हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा 20 सेंटी है ना, 20 सेंटी ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से 5 सेंटी हमको इधर लेना है, 5 सेंटी इधर लेना है। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। ये हमने 5 पे रखा है, 5 से 10, 10 से 15। ये देखिए 5 सेंटी इधर ले लिया, 5 सेंटी इधर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ खींचना है, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब इसको आपको यहाँ लाइन नहीं देना है, यहाँ से आप एक मार्किंग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको आगे उधर भी मार्किंग करना है। अब आप इधर आ जाइए, ये देखिए। अब ये जो हमने मार्किंग किया था, अब उसको यहाँ पे हम लेकर के आएंगे, लाइन नहीं खींचेंगे, एक निशान दे दिए यहाँ पे। अब ये जो मार्किंग है ये यहाँ पे मिलेगा और ये वाला भी यहाँ पे मिलेगा। सेम आपको इसी तरह से मिला लेना है। ये मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। ये दोनों मिल गया दोस्तों, इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। अब हमको देखना है कपलर हमको चाहिए जो इसके अंदर आके घुसेगा, ठीक है। ये कपलर है हमको बनाना है, तो हम यहाँ सेंटर से ही भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटर से बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये इसमें 50 का टंकी है तो टच हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ से 2 सेंटी जितना भी आप आपको चाहिए हिसाब से आप यहाँ से मार्किंग कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से इतना ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से सीधा मार्किंग कर देना है आपको भी, और फिर यहाँ से यहाँ मिलाना है। ये देखिए यहाँ से मिल गया हमारा, ये हमारा मार्केट का मार्किंग कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। आइए आपको समझा देते हैं कैसे हमने मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ 20 सेंटी ले लेना है आपको, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आप 10 सेंटी ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, या फिर 5 5 सेंटी करके भी ले लेंगे। लेकिन ये सेंटर में भी आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटर को आप भूल जाइए, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटी, यहाँ से 5 सेंटी, 10 सेंटी हो गया हमारा। 50 का टंकी है तो 5 5 ही लेंगे हम, 100 का रहेगा तो उसका अलग है, उसका आप बोलेगा तो उसका भी मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये देखिए, ये जो हमने मार्किंग किया है यहाँ से यहाँ, ये और ये जो यहाँ से यहाँ किया है, ये कट करके पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट के हम बाहर निकाल देंगे। और एक चीज़, इसमें हमने कपलर का जो बात किया था ना, कि ये देखिए एक लाइन आपको यहाँ दे देना है, ये कपलर के लिए है, ये साइड से भी आपको कटिंग करना है। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये भी आपको काट के निकाल देना है, और ये कोने से भी ये कट के निकल जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये यह पूरा निकल जाएगा, बचेगा ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा बचेगा और ये वाला हिस्सा बचेगा, और ये जो हिस्सा बचेगा ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको ऐसे उठाएंगे, ये अंदर चला जाएगा, इसको मोड़ करके फिर टाइटर से होल मार के इसको टाइट कर देंगे। तो चलिए इसका हम कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं, तो आपको आप पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सेम मार्किंग है, आपको सेम मार्किंग करना है। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस करते हैं, कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग तैयार हो गया है, ठीक है। हमने पूरा काट के रेडी कर दिया है इसको, सिर्फ इसको बैंड करना है। तो आपको हम कटिंग दिखा देते हैं, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये मैंने कटिंग पूरा अच्छे से दिखा रखा है हमने, आपको सेम इसी तरह का कटिंग करना है। ये देखिए जो हमने मार्किंग किया था, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पूरा इधर नीचे तक ये पूरा कट के बाहर आ गया है। और ये हमने कपलर बनाया था, यहाँ से हमने कॉलर काट दिया, यहाँ से भी कॉलर काट के निकाल दिया हमने, और ये कपलर बन गया। ये कपलर इसमें आकर के जॉइंट हो जाएगा, इसमें आके चिपक जाएगा ये लाइन तक, यहाँ तक, और फिर इसमें होल मार के हम टाइटर से नट वाशर टाइट कर देंगे, ठीक है। ये पूरा इसमें बैठ जाएगा, ये हमारा पूरा एलएनटी तैयार हो जाएगा बनके। आपको मेजरमेंट भी दिखा देंगे, 20 सेंटी का हमने बनाया था, 20 सेंटी आ रहा है कि नहीं। तो सेम इसी तरीके का आपको कटिंग करना है। तो चलिए इसको हम पूरा टाइट करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा 90 बनकर तैयार हो गया है, और इसमें हम नट वाशर पूरा टाइट कर देते हैं, और उसका पूरा मेजरमेंट करके दिखाएंगे 20 सेंटी का बना है कि नहीं। और देख लीजिए, ये हमारा पूरा 20 सेंटी आ गया है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।